संसार में नाना जीव हैं, उनकी नाना परिणति है, लेकिन चित्त की जो नाना परिणति है वो जिनवाणी के पानी से शांत होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत दिख रहा हो तो पंडित जी साहब उसके लिए गलत विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा वो आज है वैसे आप कभी थे। अगर कोई जीव पंचेंद्री जीव की हिंसा कर रहा है, हाथ में छुरी लेके जीव को काट रहा है, आप उसको बचा तो नहीं सकते, अब तो क्या करोगे, क्या करोगे? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, भैया वहां एक धर्म ध्यान करो, अपाय विचय धर्मत ध्यान करो, उपाय विचय धर्मत ध्यान करो, लेकिन उस जीव के प्रति परिणाम खराब नहीं करना। क्यों? क्योंकि जैसा वो आज है वैसा तुम कभी ना कभी थे। भाव परिवर्तन में जो उसके आज भाव हुए हैं, तुम्हारे भी कभी ना कभी वैसे हुए होंगे। ये संसार की अवस्था है। इसलिए क्या करें? शैलेश शिष्य पुनः प्रश्न करता है, गुरुदेव आपने कहा कि सुख तो मोक्ष में है, अगर वो ही सुख संसार में मिल जाए तो क्या जरूरत है मोक्ष जाने की? संसार में तर्क करने वाले भी हैं और कुतर्क करने वाले भी हैं। जिसकी जिस वस्तु के प्रति रुचि होती है, जिसकी जिस व्यक्ति के प्रति रुचि होती है, व्यक्ति का झुकाव रुझान वहां ही रहेगा। सत्य मानना अमित भैया, जिस व्यक्ति का जिस वस्तु के प्रति आकर्षण है वो वहीं झुकेगा। माना कि आपके पास कार जो है वो किसी बड़ी कंपनी की है, BMW की है, तो आपका रुझान वहीं जाएगा, कंपनी अच्छी है। किसी के पास मारुति की है तो उसको वो अच्छी लगती है, लेकिन सैलेश को बेचना है, उसको सारी कंपनी अच्छी लगती है। तो सैलेश भाई, हिंदू को देते हो कार की मुसलमान को, जैन को कि जैनेतर को? बोलो। वो कह रहे जो पैसे देता है मैं तो उसको देता हूं। तो जिसका जहां रुझान होता है उसका तर्क वहां होता है। तो एक शिष्य ने तर्क किया कि भगवान अगर वो सुख जो मोक्ष में मिल रहा है वो संसार में मिल जाए तो मोक्ष जानने की जरूरत क्या है? वो सुख संसार में भी तो है, हमारे पास संपत्ति है, संबंधी है, परिवार है, भगवान है, द्रव्य चढ़ाने की पर्याप्त व्यवस्था है, पंडित जी साहब स्वाध्याय करा देते हैं, चातुर्मास में महाराज लोग मिल जाते, बहुत सुख है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं तुमको सुख लग रहा है लेकिन है नहीं। ये आज का श्लोक वास्तविकता अपने जीवन में उतार के रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी? विपद भव पदावर्ते पदिकेव आतिवायते यावत तावत भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदा पुरा। हे जीव, तुझे लग रहा है कि तू जहां है वहां सुख है। सुन भाई क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। भव पद आवर्ते, संसार रूपी पैर से चलने वाले घटी यंत्र के समान, रहट की घटियों के समान, जब तक एक विपत्ति समाप्त होती है दूसरी विपत्ति संसारी जीव के पास आके पुनः प्रस्तुत हो जाती है। जब तक दूसरी विपत्ति प्रस्तुत होती है तब तक तीसरी विपत्ति वहां पुनः प्रस्तुत हो जाती है। क्या कह रहे हैं? एक समाप्त हुई और दूसरी का प्रादुर्भाव। आजकल तो आपके पास अच्छी व्यवस्थाएं हैं आजाद जी, बटन दबाते हैं तो 9वें माले तक पानी मिल जाता है। पहले क्या था?
रहट की घटियां चलती थी, बैल घूमते थे, और जो रहट मतलब एक बेल्ट जैसा था, छोटी छोटी उसमें ग्लास जैसी होती थी, वो कुएं के अंदर ऐसी उल्टी जाती थी, सीधे होके वापस आती थी, पानी बाहर फेंकते जाती थी। ऐसा देखा नहीं, देखा हो किसी ने तो, अभी सागर के पास एक श्रीजी पाइप है, वहाँ एक अभी बची है म्यूजियम के जैसे, वहाँ कुएं से निकलती है ऐसी, तो वो पानी पूरा बाहर देती है। लगता है कि चलो एक घटिका खाली हुई, अब शांति है, दूसरी खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उतनी जगह संबंध बना के रखा है वस्तु से, व्यक्ति से। ट्रेन में जाते हो विकास भैया, कोई आपको पहचान का मिल गया तो चलो भैया, दो बातें हुई, मित्रता हुई, नंबर देना भैया आपका, कल से व्हाट्सएप चालू। और जिससे नया नया बनता है, तो नीतिकार कहते हैं नवे प्रीति सदा भवेत, नए में प्रीति ज्यादा होती है, नहीं हो तो आप देखो शादी का दिन और आज का दिन। नवे प्रीति सदा भवेत, बोलना जरा, देखो मैंने नहीं लिखा भैया, जब नया नया वो बड़ी प्रीति रहती है, फिर पहले कहता था मायके मत जाओ, अब कहता कब जाओगे, वो बोले हम एक हफ्ते नहीं 3 दिन में आना, अब कम से कम माँ के पास जा रही, भी एक महीने तो रुको। नवे प्रीति, आप लोग बताओ लॉकडाउन के समय परेशान हुए कि नहीं? क्यों? दिन भर घर पे बोले अब ये बनाओ, जैनों में तो यही समस्या, अब वो बनाओ, अब आप बताओ बर्तन धोए कि नहीं? अरे आप देखो कितनी परेशानी, ये विपत्ति कौन लाया घोड़ी में बैठ के, ये वरमाला पहना के विपत्ति में कौन आया? मां एक संबंध नहीं, अब यहां चेतन के साथ अचेतन का संबंध, पंडित जी बच्चे हैं, पत्नी है, मां है, पिता है, घर है, मित्र है, व्यापारी है, और वस्तुएं, चलो चश्मा है, कपड़े हैं, घड़ी है। अजित व्यापार किसका है? हैं? मशीनों का। अब तुम मशीन लाए, अच्छी चल रही तो ठीक, खराब हो गई तो एक नई विपत्ति। 10th पास हो गई, अब भैया को 11th करना है, नई विपत्ति। 12th हो गई, अब बैचलर डिग्री करना, नई विपत्ति। और पास हो गए सो खुशी खुशी में विपत्ति आएगी, और फेल हो गए तो दुख में विपत्ति आएगी। ये संसार जो है पग पग पर विपत्ति है, जैसे एक एक प्रदेश पर दिख नहीं रहा कर्म के परचय बैठे हैं, दिख नहीं रहे लेकिन असंख्यात प्रदेश बैठे निगोदिया जीव है। ऐसे ही संसार में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां विपत्ति ना हो। कोई बता रहा था, बोले महाराज जी भूकंप आया था गुजरात में, क्या स्थिति थी? नवीन विपत्ति, पानी गिरे तो समस्या, और नहीं गिरे, ठंडी ज्यादा पड़ जाए तो समस्या, और कम पड़े पानी ज्यादा गिरे, तो जिनको गर्मी लगती है उनको अच्छा लग रहा है, किसानों से पूछो जिनकी फसलें खराब हो रही, सही है? कितनी विपत्तियां हैं, अपन लोग तो बहुत अच्छे हैं महाराज लोग, क्यों अपन में चला जी, परिसर केवल 22 है, उसमें भी एक साथ 19, उससे ऊपर नहीं आएंगे, और ये श्रावक, इनके परिसर नहीं है, इनके विकल्प है, विपत्तियां हैं, और वो हमारी विपत्तियां नहीं है, वो हमारे परिचय है। पंडित जी साहब हमें तो कभी नहीं लगता कि विपत्ति है, मुनि बनने के बाद कोई विपत्ति नहीं है, जो संपत्ति है सबसे बड़ी वो ही विपत्ति है। आए रक्षेत वये रक्षेत, अब उसके आगमन हो सुरक्षा करो, खर्चा हो सो कष्ट हो, और जब रखिए सो टेंशन, कोई ताला तोड़ के ना ले जाने, ठीक है वैसा, सही है?
विपत्ति है, माट साहब बड़ा मलेरा, ये विपत्ति ही आपको संसार में भटका रही है। किसने मना किया गुरु के चरणों में रहने से? किसने मना किया? किसी ने मना नहीं किया, गुरु के चरणों में रहो ना पंडित जी साहब, किसने मना किया? इंद्र भवन अच्छा कि वैराग भवन है? बस ना इंद्र भवन ना वैराग भवन, जिसको चैतन्य भवन और गुरु की शरण, वो ही सर्वश्रेष्ठ। मानो पंडित जी साहब की उस दिन की आंख के आंसू हमें दिख रहे हैं अभी भी, कि पहले महाराज देखने ही नहीं मिलते थे, बोले महाराज जी आए कहां, बोले नीमच में, तो ट्रेन भर के इंदौर से लोग जा रहे हैं। बताओ, ये तो स्वर्णिम अवसर चल रहा है आपके लिए। विपत्ति को आप और सरल तरीके समझाते हैं, विपत्ति का मतलब कर्मोदय। विपत्ति का क्या मतलब? विपत्ति का मतलब जो जो विपत्ति हो सब कर्मोदय से आ रही है। माना कि आप कहीं चल रहे हो, पैर में मोच खा गई, क्या है ये? कर्मोदय में आया विपत्ति। कभी अपनी ही जीव दांत से जीव कटी है? ये चटोरे लोगों की कटती है हमेशा, तो जल्दी जल्दी खाते ना, कि कोई और ना खा ले, खत्म ना हो जाए, उनकी जल्दी कटती है, ज्यादा कटती है। आराम से खाओ ना भाई, कौन मना कर रहा, हमारी तो नहीं कटती। जल्दी जल्दी करोगे गौरव तो जीव कटती है, धीरे धीरे लो ना। बेचारे जीभ भी समझ नहीं पा रही कब बाहर जाना कब अंदर जाना है, मतलब एक रखा नहीं कि गायब, दूसरा रखा नहीं कि गायब। और देखो उसमें क्या कुतर्क चलता है, खाने के लिए तो बना है, जिसको मीठे खाने की आदत है उसको कुतर्क क्या देगा वो, ये रसगुल्ला खाने के लिए तो बना है भैया, खाने के लिए बना है, लेकिन कितना खाने के लिए बना है। विपत्ति मतलब कर्मोदय, बात दोनों की एक ही है, आ रहा कि नहीं? अब आगे चलते हैं। यत्र नास्ति सुखम किंचित तत्र किम सौख्य कल्पना। पंडित साहब ये आज हमने बैठे थे तो श्लोक बना रहे थे, तो एक पंक्ति बनी थी अभी प्रवचन में, दूसरी के पहले नंबर ही आ गया, दूसरी कल बना के सुना देंगे। यत्र नास्ति सुखम किंचित तत्र किम सौख्य कल्पना, जहां पर सुख किंचित भी नहीं है, दुखी दुख है, वहां सुख की कल्पना करके क्यों अज्ञानी हो रहे हो? ईमानदारी से कहना, जीवन की कोई भी परिस्थिति आ जाए, मल तो नहीं खा पाओगे आप लोग हैं, अमित भैया खा पाओगे? जो पुरुष का मल है, कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए आप नहीं खा पाओगे, लेकिन सूकर या खर यानी गधा वो खा लेगा, खाएगा कि नहीं? खाता है। और उसको समझाओ कि इसमें दुख है, वो तुमको क्या पता है इसका स्वाद, तुमको क्या पता है इसका स्वाद, तुम तो छोड़ के आए हो। उसको लग रहा है कि यह ज्ञानी है, छोड़ रहा है, उसको लग रहा है मैं ज्ञानी हूं, मैं खा रहा हूं। ये संसार की यही प्रवृत्ति है, जीव को लगता है, जीव को लगता है कि सत्य है, लेकिन विपत्तियां जो हैं वो कर्मोदय, वो सुख नहीं है, बिल्कुल किंचित मात्र भी सुख नहीं है। बोलो सहसा जी, लेकिन इतना ध्यान रखना भाई मेरे अपरमेश्वर जी, विपत्तियां सब पर आती हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। अभी कोरोना काल था, व्यापार में कई लोगों को कई बार तकलीफ हुई होगी, कई विषयों में हुई कि नहीं? नहीं हुई आपको? क्या हुई गौरव, हुई कि नहीं? अब वो दुकान में माल भरा है, डिजाइन पुरानी हो रही है, कोई व्यक्ति स्कूल का व्यापार कर रहा है तो वो स्कूल ही नहीं खुली 2 साल से, तो काम बंद,
घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, सब विपत्ति है। इसलिए पंडित जी अपन ने देखा सो भाई अपने बस की तो नहीं है, ये सैलेश धोए पुंतरिया, सो अपने बस की तो नहीं है, सैलेश छाती से लगा के पालो, फिर जब वही तुमसे अपशब्द कहेगा मालूम चलेगा। कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं एक बात, कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं जीव को सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है और जीव को विपुल निर्जरा कब होती है, शब्द आया है विपुल निर्जरा कब होती है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी कहते हैं सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है, सुनाए कथा सुनाए। एक लोहार के बाजू में सुनार की दुकान थी, तो वहां पर रोज सोना और लोहा की पिटाई होती थी। सहज सागर जी ठुक 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 रोज ठुकते और फिर ठंडे पानी में डाले, फिर निकाले, फिर तपाए, फिर ठोके। एक दिन दोनों को एक ही बाल्टी में पानी कम था तो डाल दिया गया। दोनों अंदर बैठ के बात करते हैं, भाई कैसे हो? बोले हम तो ठीक है। तुम? बोले हम भी ठीक है। बोले लेकिन एक बात तो बताओ, कुटाई हमारी भी होती है, कुटाई तुम्हारी भी होती है, तू आवाज क्यों करता है? सोना पूछता है लोहे से, मैंने तो कभी आवाज नहीं करी, तू आवाज क्यों करता है? लोहा धीरे से कहता है, भाई तेरे को जिससे ठोकते हैं ना वो सोने की नहीं लोहे की है, मैं लोहा हूं, मुझे लोहे की हथौड़ी से ठोकते हैं, जब अपना चूर दे तो बहुत तेज दुख लगता है। और कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं और कोई अगर आपको अपना ही परिजन संबंधी दुख दे दे और तुम सहन करो तो विपुल निर्जरा होती है। बेटे की गाली में ज्यादा दुख होता है पड़ोस की गाली से।